नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में यहां पर बड़ा ऐलान होता नजर आ रहा है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नाइट शिफ्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का खास ध्यान भी देना होगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा के खंड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छूट प्रदान की गई है। इनमें शर्तें और कुछ प्रतिबंध जारी गए हैं। किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो कंपनी उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती है। यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच कंपनी में काम करती है तो मैनेजमेंट को उसके आने जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच कंपनी में काम करती है तो उसके फ्री खाने की व्यवस्था मैनेजमेंट को ही करनी होगी। यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले तक काम करती है तो काम के दरमियान और आने जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवानी होगी। महिलाओं के लिए कंपनियां वर्क प्लेस के पास टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी के दौरान कम से कम 4 महिला कर्मचारियों को एक साथ रखना जरूरी होगा। यानी अकेली किसी महिला कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। कंपनी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की सूचना संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को देगा। इसका अधिकतम 7 दिन से सत्यापन किया जाएगा। कंपनी संबंधित क्षेत्र के फैक्ट्री निरीक्षक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य माध्यम से मासिक रिपोर्ट भेजनी होगी। यह इस तरह के नियम यहाँ पर 9 नियम हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब नाइट शिफ्ट को लेकर महिलाओं के लिए योगी सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।